भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है ऐसे में बहुत से लोग उन्हें घर में एक सदस्य की तरह रखते हैं लेकिन उन्हें घर में सिर्फ मंदिर में रखना ही काफ़ी नहीं होता उन्हें घर में परिवार के सदस्य की तरह ही रखा रखना पड़ता है लड्डू गोपाल को, को घर पर रखने के कई नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है बहुत से नी संतान दंपत्ति भी घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं ताकि उन्हें बच्चे का सुख मिल सके ऐसे में अगर आप भी घर में लड्डू गोपाल को लाने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को एक बार अच्छे से जान लें घर में जैसे आप रोज़ स्नान करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाना ज़रूरी है लड्डू गोपाल का ख्याल एक बच्चे की तरह रखा जाता है लड्डू गोपाल को, को स्नान करवाते समय शंख का इस्तेमाल करें धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख में लक्ष्मी का वास होता है स्नान करवाने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में विसर्जित कर दें स्नान के बाद उन्हें साफ वस्त्र पहनाना भी जरूरी है इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि एक बार जो वस्त्र आप उन्हें पहना चुके हैं उन्हें दोबारा ना पहनाएं अगर आप पहनाते भी हैं तो वो धुले हुए होने चाहिए लड्डू गोपाल को, को वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार भी जरूरी है लड्डू गोपाल जी को चंदन का टीका लगाएं जेवर पहनाएं इसके बाद उनकी नज़र उतारना भी जरूरी है लड्डू गोपाल को, को दिन में चार बार भोग लगाएं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लड्डू गोपाल शाकाहारी थे और सात्विक भोजन करते थे इसलिए जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उस घर में प्याज लहसुन मांस आदि नहीं बनाना चाहिए अगर आप रसोई में से जो कुछ भी पकाएं, लड्डू गोपाल को उसका भोग जरूर लगाएं। वैसे आप उन्हें माखन मिश्री बूंदी के लड्डू खीर हलवे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं अगर आपने घर में लड्डू गोपाल को, को विराजमान किया है तो उन्हें घर में अकेला कभी नहीं छोड़ें आप घर के बाहर जहाँ भी जाएँ उन्हें अपने साथ लेकर जाएँ खास तौर पर अगर आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्हें साथ लेकर जाएं। इतना ही नहीं जहाँ भी जाएं, वहाँ उनकी पूजा अवश्य करें इनके साथ ही रात और दोपहर के समय उनका शयन करें लड्डू गोपाल को जब जब भोग लगाएं तब तब उनकी आरती भी करें आरती के समय धूप बत्ती जरूर जलाएं और भगवान श्री कृष्ण को बेले के फूल और केला बहुत प्रिय है इसलिए आरती के बाद उन्हें ये चीज़ें ज़रूर अर्पित करें इतना ही नहीं उनके पास राधा रानी की फ़ोटो भी अवश्य रखें और उनकी भी आरती करें